ये है मौत का कुआं। अब देख सकते हैं इस पानी के अंदर, अभी देखिए कितने बोतल प्लास्टिक के कितने। और सोनमा रानी जो थी उसी के नीचे वहाँ पे जाने के बाद ये पानी सीधा गंगा जी से आता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम आ गए हैं चुनार के किला पे और आपको इस वीडियो में दिखाएंगे मौत का कुआं। दोस्तों ये वो कुआं है जो सोनमा रानी जिस कुएं में स्नान करती थी, और वो कैसे कुएं में स्नान करती थी वो सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि कुएं में स्नान करना संभव वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन उसमें उस तरीके से बनाया गया है जाने के लिए, सीढ़ी बनाया गया है, कैसे सुरंग टाइप का बनाया गया है वहाँ तक पहुँचने के लिए, कैसे वहाँ पर स्नान करती थी, ये सब सारे चीज़ें इस वीडियो के अंदर में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच करें। ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी ये चारों तरफ से जाली से ढक दिया गया है, ताकि बहुत से लोग इसमें देखते हैं तो भाई गिरने का भी डर बना रहता है, कोई गिरेगा तो इसमें निकलना मुश्किल है, क्योंकि रास्ता बहुत ही कठिन हो गया है, और जो रास्ते से हम आपको दिखाने वाले हैं वो रास्ता भी बहुत ख़तरनाक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरा कुआँ और रास्ता भी। दोस्तों इसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि ये देखिए, ये जो बड़ा बड़ा होल दिख रहा है, ये आप लोगों को देखिए ये होल दिख रहा है, यहाँ से निशाना लगाया जाता था, यहाँ से देखते थे कि भाई जो दुश्मन लोग दूर से दुश्मन लोग दिख जाए और उनको वार कर दिया जाए यहाँ से ही। ठीक है, तो ये यहाँ पे सैनिक लोग रहते थे अपना, यहाँ से देखने के लिए, छुप कर देखने के लिए, यहाँ से बंदूक से निशाना लगाने के लिए ये मोटे मोटे दीवार लगा दी हैं और इस होल के अंदर से देखते थे। बाकी आप देख रहे हैं कि जाली वाली लगा दिया गया है, ताकि जो पर्यटक लोग आते हैं घूमने के लिए तो इसमें देखते हैं इसके अंदर तो गिरने का डर रहता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे गिर सकता है, इसके वजह से इसको जाली से पूरा ढक दिया गया है। बहुत ही ख़तरनाक कुआँ है ये। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा रास्ता कि कैसे, कौन सा रास्ता है जिस रास्ते से आप लोग जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुएं के जस्ट बगल से ही ये देखिए रास्ता, यहाँ से एक रास्ता बनाया गया है जहाँ से आप सीढ़ी से उतर करके उस जगह तक जा सकते हैं जहाँ पे कि सोनमा रानी स्नान करती थी। देखिए यही जगह है, कितना ख़तरनाक जगह है आप देख सकते हैं, और सीढ़ी बना हुआ है, इस सीढ़ी से ही उतर करके जाना पड़ता है, बहुत नीचे है, जैसा कि भाई कुआं है तो भाई नीचे तो रहेगा ही। ठीक है, और ऊपर देख सकते हैं ये इतना नीचे हम आ चुके हैं। ठीक है, अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना नीचे है, ये बहुत ही सुनसान जगह है, अभी इस जगह पे बहुत कम लोग आते जाते हैं। और ऊपर देख रहे हैं ये ऊपर, मतलब ये खुल गया है, ऊपर से भी लोगों को गिरने पड़ने का चांस रहता है, तो गिरेगा तो दिक्कत ही हो जाएगा। और देख सकते हैं आवाज़ सुनिए, कबूतरों का आवाज़। ठीक है, पे कबूतर के अलावा और कौन रहेगा, तो बड़े ही सावधानी से यहाँ पे उतर कर आकर देखना है। सीढ़ी बहुत ऐसे मोटा मोटा है, टूट फूट गया है। ये देखिए दोस्तों, अभी हम आ गए हैं, आपको पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं। देखिए ये देखिए कितना ऊंचाई से, कितना ऊपर से, कितना नीचे, ये है मौत का कुआँ जो मैंने आपको जाली से दिखाया था, वो नज़ारा देखिए वहाँ से आकर यहाँ देखिए पानी दिख रहा है नीचे। ठीक है, और ये बड़े बड़े झाड़ जैसे ऊपर से पूरा उसका जड़ जो होता है वो नीचे तक लटक रहा है। ठीक है, और पानी में देख सकते हैं आप बहुत सारा कचरा हुआ है, इसका मतलब अब कोई उपयोग नहीं रह गया, इसलिए यहाँ पे इसका साफ़ सफाई और कोई मतलब साफ़ सफाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, पूरा गंदगी ही है। फिर भी यहाँ पे रास्ता वैसे बंद कर दिया गया है, आना जाना मना है, कोई यहाँ पे आए न, क्योंकि आने के बाद यहाँ पे गिरने पड़ने का डर रहता है। ठीक है, कोई गिर गया तो इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये देख सकते हैं। और दोस्तों अभी देख रहे हैं कि कितना नीचे है, और सोनमा रानी जो थी उसी के नीचे वहाँ पे जाने के बाद पहले पानी साफ़ होता था, ये पानी सीधा गंगा जी से आता है। ठीक है, और ये पानी, इसी पानी में स्नान करती थी यहाँ से सीढ़ी से जा करके,
और जो सैनिक लोग रहते थे उनके दाई वगैरह जो सैनिक होती थी लेडीज, वहाँ पे उस जगह पे मतलब खड़ी रहती थी इनकी सुरक्षा के लिए, चारों तरफ से बना हुआ है उस तरीके का, सुरक्षा के लिए यहाँ पे खड़ी रहती थी। तब जाके सोनमा रानी यहाँ पे स्नान करके फिर इधर से सीढ़ी से जाती। अब देख सकते हैं इस पानी के अंदर अभी देखिए कितने बोतल प्लास्टिक के, कितने कचड़े, सब कुछ हो गया। तो फिलहाल वो चीज़ अब नहीं रह गया, यहाँ पे कोई स्नान करने के लिए नहीं आएगा फिलहाल। लेकिन क्या उस जमाने का, जमाने में किस तरीके से देखिए बनाया गया है, जो कि आज बनाना इतना संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि उस ज़माने में देखिए पत्थर से किस तरीके से इतना बड़ा किला, ये कुआं बना, और कुएं पे स्नान करने के लिए सीढ़ियां भी बनाया गया। दोस्तों अभी चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आगे का नज़ारा आपको। सो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।